ओ जी पूनम की ही रात बालाजी आज थाने आनो ओ थाने कोल निबाणो है। पर बहुत बड़ा संयोग है कि हनुमान जयंती के दिवस पर आज पूर्णिमा और शनिवार साथ में। इससे बड़ा संयोग कीर्तन की है रात पूनम की है रात बालाजी आज थाने आनो है। पूनम की है रात पूनम की है रात बालाजी आज थाने आनो है। थन को ले मानो पूनम की है रात पूनम की है रात बालाजी आज थाने आनो है। पूनम की है रात सेवा में थारी माने आज बिच जानो है। सेवा में थारी माने आज बिच जानो है। हन को ले निभानो है कीर्तन की है रात पूनम की है रात बालाजी आज थाने आनो है। पूनम की है रात बैठे हैं जिसके कभी बालाजी काम आए हो ना जिन नहीं ऐसे नहीं। देखिए अब यू कहने में तो सभी लोग ये कहेंगे कि साहब भगवान तो काम ही आते हैं, लेकिन जिसके मन में कभी ऐसा आभास हुआ हो कि आज मेरे साथ में हनुमान जी महाराज ने कृपा कर दी, कभी भी जीवन में झूठे मत उठाना हो, बहुत अच्छी बात। बस आप तो सुमिरन करो क्योंकि अष्ट सिद्धि नवि निधि के दाता और भक्तों के हो तुम भाग्य भाग्य विधाता। तो एक बार बड़ी मीठी ताली के साथ में बोलो एक बार, ओ जी जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकार, जब जब भक्तों ने, जब जब भक्तों ने, जब जब भक्तों ने तुम्हें पुकारा तुमने दिया सहारा। जन्म जन्म से जन्म से जन्म जन्म से दास हो बालाजी तुम्हारा, बालाजी तुम्हारा। आराम से बजाओ और कुछ मत सोचो। बड़ी वीर बजरंग बली की
में भजन करा जम कर बालाजी माती देवी करो। दागण की है तारी में भजन करा जम कर बालाजी माती देवी करो। भागो भागो बाला भजना में आने को धनी माती देवी करो। क्या थक गए पीछे वाले लोग? भजना सुथाने भजना सुथाने अरे भजना सुथाने भाने आज रिझानो है भजना सुथाने। देखिए अभी मैं जब अंदर गया तो हनुमान जी की सवामणी होती रोड चढ़ता है और हनुमान जी के मुंह पर पूरा लड्डू चिपकाया हुआ था। मेरा प्रश्न है कि उस लड्डू को चिपकाने से क्या हनुमान जी उसको खाएंगे? माता बहन अक्सर कोई भी प्रसाद जब चढ़ाती है तो कोई भी मिठाई लेके देवी देवता की तस्वीर या जो मूर्ति होती है मिठाई का टुकड़ा लेके उसके मुंह में जोर से दबाने की कोशिश करती है कि चिपकी रहे नीचे नहीं गिरेगी। क्या ऐसा करने से भगवान के पेट में वो भोजन जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखें तो मित्रों जिस प्रकार से शब्द जो है वो भजन बनकर भाव बनते हैं और भाव जो है वो भगवान से जोड़ता है, उसी प्रकार से हम जब भोग लगाते हैं तो प्रभु से कामना करते हैं कि हे प्रभु ये मीठा भोग आपके चरणों में ये मिठास आप हमारे जीवन में रखना, क्योंकि हम आपको मीठा भोग चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन में आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, ये कृपा दृष्टि बनी रहे हमारे जीवन में मिठास बनी रहे। और इसलिए मैंने कहा भजना सुथाने आज रिझानो है। नारियल चढ़ाया आपने गोटा चढ़ा वह सालासर दरबार में तो तनों बंद गोटे चढ़ जाते हैं, लीला नारियल सूखा नारियल ज्योत होती है अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन मित्रों ये जागरण जो है ये संतों ने श्रेष्ठ तरीका बताया है कि हम दुनिया से बाहर निकलकर थोड़ी देर के लिए दुनियादारी से बाहर निकलकर यहाँ पर थोड़ा आराम से हो जाए, क्योंकि टेंशन तो किसी की मिटती नहीं है जी। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब आप घर जाएंगे जैसे तैसे कदम आपकी घर की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी गली नजदीक आएगी तो दो तीन बातें दिमाग में आएगी, पहले कि यार ये करना था वो करना था, फिर थोड़ा गली के अंदर घुसेंगे तो पांच सात बातें और करीब आ जाएगी, तीन चार घर दूर रहोगे तो 15-20 बातें आगे दिमाग में घुस जाएगी, और जैसे घर के अंदर प्रवेश कर जाओगे वो सारी दुनियादारी की बातें फिर से आपको भोगनी पड़ेगी। लेकिन यहां तो चिंताओं से बहुत दूर आके बैठे हो, किसी को कोई है क्या चिंता? अभी किसी को दुकान याद है, किसी को घर याद है? तो याद है तो सिर्फ हनुमान जी महाराज का दरबार है। दोनों हाथों को उठा के एक बार अरे भजना सुथाने भजना सुथाने भाने आज रिझानो है भजना सुथाने भजना सुथाने माने आज रिझानो है धन को ले निदानो है। पूनम की है दात बालाजी।